गैस टुडे वी आर हेयर। गाड़ी की कुछ कमानी का मसला था, कमानी के कुछ आवाज़ कर रहे थे पीछे से, बहुत एक अजीब गरीब सी आवाज़ें आ रही थी। तो मैं आज कमानी का काम करवाने के लिए यहाँ इनके पास आया हूँ। तो ये कमानी को खोल रहे हैं, सो देखते हैं कि कमानी में क्या क्या चीज़ें हैं और कौन कौन से बुश डलते हैं आज, वो मैं आपको बताऊँगा सारा कुछ इसमें, और किस तरह से वो बुश लगाए जाते हैं, किस तरह से फिटिंग होती है, कितना टाइम लगता है, वो सब कुछ आपको आज इस वीडियो में दिखाया जाएगा। अच्छा जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम फैसल साहब। फैसल साहब, इसकी कमानियों की क्या सूरत हाल है, कुछ बताएंगे मुझे थोड़ा बहुत? कमानी इसकी खराब हुई हुई है, बुश वगैरह कटे हुए हैं। बुश वगैरह बिल्कुल कटे हुए हैं, बहुत बुरी हालत में है। बहुत बुरी हालत में, अभी हम निकालेंगे आपको दिखाएंगे इसके बुश वगैरह। सही, ये हम काम करके देंगे, इसी आपकी गाड़ी को पिक को स्टेयरिंग को बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, और गाड़ी में आवाज़ नहीं होगी, आवाज़ नहीं होगी, गाड़ी थोड़ी सी ऊंची भी महसूस होगी, वो भी हम करके देंगे आपको, वो आप सारा कुछ करके देंगे। सही है, और इसमें बताएंगे कि बुश की कौन कौन सी किस्में होती हैं? बुश में इसमें दो तीन किस्में होती हैं, लेकिन हम रबड़ का बुश इस्तेमाल करते हैं, छोटी गाड़ी में लोग जो है ना कैनवास का बुश इस्तेमाल कर रहे हैं। सही है, टायर वाला जो छोटी गाड़ी के लिए नहीं है। अच्छा, उसका क्या नुकसान है? टायर का बुश जो है वो पिकअप के लिए लोग मेहरानों में पिक एफएक्सो में डाल रहे हैं। सही है, लाड़ पड़ात हुए तो वो लोड नहीं लेता, वो जंप नहीं लेता, जो बुश आप डाल रहे हैं ये जंप लेगा, इसकी वन ईयर की गारंटी है, वन ईयर की गारंटी भी होगी इसकी। ग्रेट, तो इस सारे काम में आप कितनी देर में कर लेते हैं ये सारा काम? नई गाड़ी हो तो आधे पौने घंटे में हो जाती है। ठीक है, अगर पुरानी हो तो घंटा डेढ़ लग जाता है, फंस गया तो कई बार दो ढाई ढाई घंटे भी लग जाते हैं। सही, आपका कितना तजर्बा इस काम का? हमारा ये जद्दी पुश्ती काम है, मैं 32 साल से कर रहा हूँ। 32 साल से कर रहे हैं। सो गाइज, आई विल रिकमेंड यू टू कम हियर, और ये बहुत अच्छा काम करते हैं। अभी मैं आज जब इनका काम कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपको ड्राइव में बताऊंगा भी कि इनकी कैसी सर्विसेज हैं कमानी का जो काम हुआ उसके हवाले से। सो दिस वन इज़ अ वेरी गुड शॉप फॉर द वर्क। सो गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ इस वक्त कमानी की एक साइड खुल चुकी है और दूसरी वो खोल रहे हैं। जैसे ये कमानी बाहर आएगी मैं आपको दिखाऊंगा इसकी सूरत हाल।
ये आपने इस पर क्या लगाया? ऑयल लगाया जी। ऑयल लगाया, इसका क्या फ़ायदा होगा? ये फायदा होगा, एक तो गाड़ी आवाज़ नहीं करती, जरा सफाई सुथराई हो जाती है। सही सही सही। अच्छा ये बुश कौन कौन से हैं आपके पास ये बताएं? बुश मेरे पास अच्छे वाले भी हैं, हल्के भी हैं। सही है, एक ये क्वालिटी आती है। सही है। ये कितने के हैं? ये 1000 रुपये के 12 स्पेशल। सही, इसकी 2 साल की वारंटी है। ओके, ये जो और... मैं आपको लगा रहा हूँ, ये आपको लगा रहा हूँ मैं, हमें ये वाले बुश दे रहे हैं आप? हाँ जी, ये वाले 12 पीस लगा रहा हूँ। ठीक है, इनकी कितनी गारंटी है? इसकी 1 साल की वारंटी। इसकी 1 साल की वारंटी है। और कौन से आपके पास हैं? और ये टायर वाला होता है। अच्छा, ये टायर पिकअप के लिए होता है, कैरी डब्बे के लिए होता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज मैनुफैक्चर्ड बाय द टायर ऑफ सम कार्स। सो अभी हमने फैसला किया हम लोग ये वाले बुश लगाएंगे। ये बुश किस तरह से लगाया जाता है आप इसमें देख सकते हैं। उन्होंने एक साइड पर एक बुश लगाया, दूसरी साइड पर दूसरा बुश, और उसमें ये एक लोहे का रॉड लग गया। आगे छोटा बुश लगा, और इसी तरह दूसरी साइड पर भी उन्होंने आगे छोटा बुश लगा दिया। अब इसको वो फिट करने जा रहे हैं। यहाँ तक हमारा काम कम्प्लीट हो गया जी। अब इसकी फिटिंग है, अब इसकी फिटिंग शुरू हो चुकी है जी। अभी वो साथ इसके ऑयलिंग करने लगे हैं, और इसे काफ़ी हद तक आवाज़ें ख़त्म हो जाएंगी। सुबह जी आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास इन्होंने ये एक कमानी लगा दी है, उसके बुश भी लगा दिए। पहले कुछ ब्रैकेट ये उल्टा लगा हुआ था, शायद इन्होंने सीधा कर दिया सारा, और इसी तरह इधर इन्होंने ये कमानी फिट कर दिया, बुश लग चुके हैं। अच्छा, इसका सिलेंसर भी ख़राब था, ये आप देख सकते हैं। इस जगह से मैंने सिलेंसर वेल्ड करवाया, लेकिन उसकी मैं वीडियो बना नहीं सका था किसी वजह से, तो सिलेंसर हिल रहा था। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने सिलेंसर वेल्ड करवाया था, और इसके नीचे एक सिलेंसर का रबड़ टूटा हुआ था। वो रबड़ मैंने टायर का रबड़ लगवाया था, क्योंकि दूसरे सिलेंसर के जो रबड़ होते हैं वो फट जाते हैं, टायर का रबड़ नहीं फटेगा। सो इसको किताब देख सकते हैं कि कमानी का काम कंप्लीट हो चुका है, कमानी लगा दिया इन्होंने। और इनके कमानी लगाने से इनका कहना है कि गाड़ी तकरीबन 2 से 2.5 इंच ऊपर भी हो जाएगी। आई विल शो यू दिस थिंग ऑल्सो। सो एक साइड की कमानी का काम पूरा हो गया, कमानी का बुश लग गया, अब दूसरी साइड का काम होगा, वो भी बिल्कुल इसी तरह से होगा। अच्छा, ये आप क्या बता रहे थे इस साइड पर? ये साइज देखते हैं गाड़ी। तो गाइस आप देख सकते हैं इस साइड पर, ये जब गाड़ी की फिटिंग दोबारा होगी तो फिर आप कुछ साइज चेक करें, और पीछे से भी इसका जो है बढ़ जाएगा फासला। साइड का दिखा दो जिस तरह से इस साइड पर ये काम किया गया। आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी कितनी ऊँची हो चुकी है तकरीबन, और साइड से पीछे से भी काफ़ी ज़्यादा वाया इसमें क्रिएट हो चुका है।
आगे से भी गाड़ी ऑटोमेटिकली 2 से 2.5 इंच जैसा कि उन्होंने कहा था ऊपर हो चुकी है। सो यू कैन सी ये बुश इस तरह से कट चुके हैं और ख़त्म हो चुके थे और गाड़ी में से आवाज़ आ रही थी। सो अभी इसके भी बुश नहीं डल रही है। तो ये एक साइड दूसरी साइड की कमानी है लेकिन इसका बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। सो उन्होंने दोनों साइडें खोल ली हैं और इन दोनों साइड को रिपेयर करने लगे हैं। इसकी कुछ सफाई कर रहे हैं ताकि इसमें कोई भी डस्ट या कुछ भी है उसको ख़त्म किया जाए। इसके बाद आई थिंक ये कुछ ऑयलिंग करेंगे।
सो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर एक गैप क्रिएट हो चुका है और पीछे भी क्रिएट हो चुका है गैप। सो मेरी ऐसी है गाड़ी, सूरत हाल गाड़ी पीछे से थोड़ी सी काफ़ी बेहतर हो चुकी है, ऊंची हो चुकी है तकरीबन 2 इंच के करीब। अगर हम यहाँ से देखें तो यू कैन सी गाड़ी तकरीबन ऊंची हो चुकी है। सो आज आपने इस वीडियो में देख लिया कि कमानी का अगर काम करवाना हो तो किस तरह से करवाया जाता है और क्या पुश इस्तेमाल किए जाते हैं, किस किस टाइप के पुश हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।